लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर मलविंदर सिंह, क्या आप भी बीजेपी के साथ इस लाइन पे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात का समर्थन करते हैं, या आपका कुछ और मानना है इन ब्लास्ट को लेकर? आपकी स्क्रीन अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ गौरव जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए, आ रही है। जो एंटी पंजाब फोर्सेस हैं वो हमेशा ही पंजाब में जो भाईचारक सांझ है, जो भाईचारा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए बार बार कोशिशें हमेशा से करती रही है। चाहे गुरु साहब की बेअदबी वाला मामला हो, या जो रिसेंटली लुधियाना ब्लास्ट वाला मामला जिसमें एक पुलिस वाला जो सस्पेंडेड था उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है सामने आई है उभर कर। ये तो पंजाब की जो सरकार का फेलियर तो है ही है, लेकिन भारत सरकार की एजेंसियों को भी इस पे पूरा जांच करके इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। हमारा ये मानना है जब भी पंजाब में इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की वारदातों की शुरुआत हो जाती है। जो लोग हिंदुस्तान में धार्मिक कट्टरता के नाम पर राजनीति करते हैं उनको पंजाब में जो भाईचारा है सभी कम्युनिटी का, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, उनको पंजाब के भाईचारा अच्छा नहीं लगता। वो पंजाब में इस इलेक्शन के समय में इस पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि पंजाब सरकार और हिंदुस्तान की सरकार इस विषय को गंभीरता से जांच करते हुए इसकी सच्चाई जो है लोगों के सामने। लेकिन आपके सामने पैनल में जो पंजाब सरकार में पार्टी बैठी है वो तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, क्या इस मुद्दे पर इस तरह की पॉलिटिक्स होना चाहिए? गौरव जी किसको? मैं आपसे पूछ रहा हूं जल्दी से, 20 सेकंड का एक रिप्लाई। क्या क्या रिपीट करिए? कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार का इसमें, वो तो सीधे सीधे उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन ये इस ब्लास्ट के पीछे कहीं उनका हाथ तो नहीं? हमेशा ही धर्म के नाम पर राजनीति की है, लेकिन हमारा ये मानना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। पंजाब की पीस को डिस्टर्ब कौन करना चाहता है? पंजाब के भाईचारे को खराब कौन करना चाहता है? और इलेक्शन के समय ही ये वारदातें क्यों होती है? भारत सरकार को भी सच्चाई सामने लेके आनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक आपने यहाँ पे बड़ा बात, ये बड़ा मुद्दा उठाया इलेक्शन के समय, टाइमिंग पे आप सवाल उठा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।